अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या आप अपने घर वालों या दोस्तों को कोई तोहफा देना चाहते हैं और आपके पास रैपिंग पेपर नहीं है? तो कोई बात नहीं, आज हम घर में मौजूद चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक खूबसूरत गिफ्ट बॉक्स बनाना सीखेंगे। गिफ्ट बॉक्स बनाने के लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली चीज़ों की ज़रूरत होगी। चार्ट पेपर्स, ग्लू और कैंची, पेंसिल और स्केल और रस्सी। तो चलिए साथ मिलकर गिफ्ट बॉक्स बनाते हैं। सबसे पहले एक स्क्वायर शेप के चार्ट पेपर को अपने सामने रखिए। उस पे पेंसिल और स्केल की मदद से चार लाइंस बनाएं इस तरह। आपका चार्ट पेपर 9 बराबर हिस्सों में तकसीम होना चाहिए। फिर दोबारा स्केल की मदद से उन्हीं लाइंस पे चार्ट पेपर को घुमाते हुए फोल्ड कीजिए। अब कैंची से चार्ट पेपर को हर दो छोटे स्क्वायर्स के बाद काटिए। बच्चों, कैंची का इस्तेमाल करते हुए आप किसी बड़े की भी मदद ले सकते हैं। चार्ट पेपर के सब बाहर वाले हिस्सों को ऐसे खड़ा कीजिए, आपको एक डब्बा बनते हुए दिखेगा। चार्ट पेपर को सीधा करें और हर दरमियान वाले स्क्वायर पे ग्लू लगाइए। इन सब स्क्वायर्स को खड़ा करके अच्छे से जोड़ लीजिए। अब किसी मुख्तलिफ रंग का छोटा स्क्वायर शेप्ड चार्ट पेपर लीजिए और उसके चारों कोनों पर लाइंस बनाएं इस तरह। फिर स्केल की मदद से उन चारों लाइंस को अंदर की तरफ फोल्ड कीजिए। हर कोने की छोटी लाइन को कैंची की मदद से काटिए। फिर उनको खड़ा करके फोल्ड कर लीजिए। चारों कोनों पे ग्लू लगाकर उन कोनों को जोड़ लीजिए। अब आपके गिफ्ट बॉक्स का कवर तैयार है। इस कवर को अपने पहले के तैयार करदा डब्बे के ऊपर लगा लिए। बच्चों, इस डब्बे में आप अपने घर वालों या दोस्तों को कोई भी चीज तोहफे में दे सकते हैं। इसको मुकम्मल तौर पे बंद करने के लिए आप इसको रस्सी से भी बांध सकते हैं और इसके ऊपर एक खूबसूरत सा फूल लगा सकते हैं। अब हमारा घर में बनाया हुआ गिफ्ट बॉक्स तैयार है।